जरा सबर करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, एक और न्यूडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपनी फ्री फायर आईडी सस्पेंड हुई, इसको वापस कैसे लाना है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि फ्री फायर वाले जब भी आईडी बैन करते हो बिना रीजन के आईडी बैन नहीं करते। आप यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसकी मदद से आपकी आईडी यहाँ पर बैन कर दी जाती है और यहाँ पर आपकी आईडी हमेशा के लिए सस्पेंड भी हो सकती है। इस रीजन की वजह से आपकी आईडी यहाँ पर बैन कर दी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या तो कोई आप ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हो, या फिर आप ग्लिच लगाते हो, या फिर हैक लगाते हो, या फिर आप यहाँ पर डायमंड वायमंड परचेस करते हो, या फिर मेंबरशिप लेते हो तो उसके पैसे आप रिटर्न कर लेते हो, ऐसा बार बार करते हो ना, इस वजह से आपकी आईडी यहाँ पर बैन कर दी जाती है और आपकी आईडी यहाँ पर परमानेंटली बैन होती है। अब बात करते हैं आईडी अनबैन कैसे करते हैं, सस्पेंड आईडी को वापस कैसे लाते हैं, जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक भी है। तो क्या सच में फ्री फायर आईडी यहाँ पर अनबैन हो सकती है? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 90% चांस आपकी आईडी वापस आने के नहीं है, अगर जो मैंने आपको यहाँ पर जो चीजें बताई अगर वो करते हो तो। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और इसी बीच हमारे यहाँ पर कुछ महान लोग हैं जो कि यहाँ पर फ्री फायर आईडी वापस लाने का काम करते हैं, जिससे हमारे गरीना का कांटेक्ट है उन लोगों के साथ। और वो महान आत्माएं करते क्या है, आपको कुछ यहाँ पर लिंक ऐसे भेज देती है, या फिर आपको यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलती है, या फिर आपको ऐसे लिंक दे देती है वीडियो में और बताती है कि यहाँ पर ऐसे जाओ ऐसे करो। और कुछ महान आत्माएं ऐसी भी जो यहाँ पर पैसे लेके काम करती है और आपकी आईडी वापस लाने का कार्य करती है। तो उन लोगों को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा जोल जपाटा चल रहा है भाई, आप इसके चक्कर में फंसो ही मत कि आपकी आईडी वापस चले तो वापस आ जाएगी। अगर आपके आईडी वापस आती है तो वहाँ पर कुछ टाइमिंग चलता है, वहाँ पर आपको कंफर्म ऐसे करके आता है, तो आप समझ सकते हो आपकी आईडी वापस आ जाएगी। मतलब कुछ टाइमिंग देता है वहाँ पर, 2 दिन या फिर 1 दिन या फिर 4-5 दिन ऐसे करके टाइमिंग चलता है, तो वो सस्पेंड हुई आईडी वापस आ सकती है। अगर आपकी आईडी परमानेंटली बैन कर दी गई तो आपको वापिस नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं वो तो जाओ भाई करो सर्च, मेरा कुछ नहीं जा रहा वहाँ पर सर्च कर करके, वहाँ पर आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर इस लिंक पर जाओ, यहाँ दबाओ, वहाँ दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे करो। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि इस चक्कर में फंसो ही मत कि आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाए और आपका आईडी तो अनबैन ना हो पर आपका डिवाइस को अनबैन कर दिए लोग। और आपका यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट होगा, आपकी आईडी तो वापस नहीं आएगी, बस आपका टाइम जाएगा और आपका डेटा जाएगा और इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। तो आप यहाँ पर इन स्कैमर के चक्कर में फंसो ही मत कि आपके साथ इतना बड़ा स्कैम कर जाए कि आपकी आईडी तो जाए जाए पर यहाँ पर आपका डिवाइस भी चला जाए। तो आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आपको ऐसे मतलब रीलर मिले जहाँ पर आपको बस यहाँ पर एक ही कॉन्टेंट मिलता है कि फ्री फायर आईडी अनबैन कैसे कराना है, तो बस उनके चैनल को जाओ और रिपोर्ट मारो, उनकी वीडियो को जाओ रिपोर्ट करो। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, पर जितना हो सके उतना जाकर रिपोर्ट करो, जितने बहुत सारे लोग यहाँ पर बने स्कैम के यहाँ पर बच सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ा देना, ताकि हमारे यहाँ पर भोले भाले भाई लोग यहाँ पर इस स्कीम के चक्कर में ना फंसे। तो मैं आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। एंड मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।